पुराने शहर हैदराबाद के तालाब कट्टे के इलाके मौला का छिल्ले के पास जारी नाले के काम की वजह से आवाम को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। नाले के काम का आगाज अमल में लाकर इसके काम इख्तिताम से कबल ही छोड़ दिए गए हैं। नाले के खुला रहने से हादसात पेश आने का खतरा मंडला रहा है। राहगीरों को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है, लेकिन कोई भी अवामी नुमाइंदे ना बल्दिया के कोई ओहदेदार इस जानिब तवज्जो देने तैयार है। एक अरसे से इस इलाके को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस कदर नजरअंदाज किया जाता है कि नाला खुला है, कोई भी मासूम इंसान या जानवर इसमें गिर सकते हैं, लेकिन किसी को इसका परवाह है। इस हलके की अवाम को नए रुकने असेंबली से काफी तौकियात थी, लेकिन रुकने असेंबली सुबह सुबह अवाम के जागने से कबल ही दौरे कर सोशल मीडिया रिपोर्टर्स के पास अपनी तशहीर करवाकर गायब हो जाते हैं और काम जैसे के वह रहते हैं। खैर, इस हलके में नाले के मसाइल के साथ साथ कचरे के अंबार भी मौजूद है, जिससे बदबू ताफुन फैल रहा है और मौसमी अमराज मच्छरों से बीमारियाँ फूट पड़ रहे हैं। मुकामी अफराद ने इस मौके पर कैमरे के रूबरू आकर बात करने से खुद को गैर महफूज तस्वुर किया है और ऑफ कैमरा यहां के हालात से हमारे नुमाइंदे को वाकिफ कराया है, क्योंकि अगर वो न्यूज में सच्चाई बता देते हैं तो मुकामी लीडर्स के साथ साथ पार्टी के लिए काम करने वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले खुद साख्ता रिपोर्टर्स भी इनके दुश्मन बन जाते हैं। इसीलिए मुकामी अवाम ने ऑफ कैमरा सियासत से बात करते हुए यहाँ के तमाम परेशानियों से वाकिफ करवाया। इस खसूस में हमारे नुमाइंदे ने यहाँ के हालात को अपने कैमरे में कैद किया और आपके लिए पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com।